आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बॉलीवुड सिनेमा में कई ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज से पहले ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप झेल चुकी हैं। हाल ही में भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री की एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में काली मां को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर वॉर, फिर FIR, राजनीतिक दलों की बयानबाजियां। अभी ये विवाद थमा नहीं था कि एक और इस बीच विवाद पैदा हो गया है। फिल्म मेकर लीना ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। क्या है ये विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। फिल्म काली का पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस मामले में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वॉर, फिर FIR, फिर राजनीतिक दलों की बयानबाजियां। अभी ये विवाद थमा ही नहीं था कि लीना मणिमेकलाई ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर भड़काने वाला पोस्ट किया है। लीना ने अपने ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट शेयर किया है। इस ट्वीट में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने एक और ट्वीट किया है। खास बात यह है कि लीना के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर उनको सोशल मीडिया पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लीना ने अपने नए ट्वीट में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स को धूम्रपान करते दिखाया है। फोटो को ट्वीट करते हुए लीना ने लिखा, कहीं और। लीना के इस ट्वीट पर यूजर्स ने उनको जमकर घेरा। एक ने लिखा कि वो सिर्फ नफरत फैला रही हैं, तो वही दूसरे ने लिखा कि उनको अपने धर्म का अपमान करना बंद करना चाहिए। बॉलीवुड सिनेमा में कई ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज से पहले धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप झेल चुकी हैं। दरअसल डायरेक्टर लीना की आने वाली नई फिल्म काली के नए पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ था। लीना ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का एक पोस्टर शेयर किया और इसे देखने के बाद लोग काफी ज्यादा भड़क गए। लीना मणिमेकलाई की आगामी डॉक्यूमेंट्री का नाम काली है, जिसका पोस्टर फिल्म मेकर ने बीते दिन ट्विटर पर शेयर किया। इस पोस्टर के साथ लीना ने बताया कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उत्साहित है, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्री काली को कनाडा फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च किया गया है। डॉक्यूमेंट्री काली के आपत्तिजनक पोस्टर पर विवाद बढ़ता गया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, वहीं अब खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने भी निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बता दें कि डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में मां काली बनी एक्ट्रेस के एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा दिखाया गया है। देवी का ये रूप देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। यूपी पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक चित्रण के लिए फिल्म काली के निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शांति भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। वहीं दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने काली फिल्म से संबंधित एक विवादास्पद पोस्टर के संबंध में IPC की धारा 153A और 295A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। लीना तमिलनाडु के मदुरई में जन्मी है और कनाडा के टोरंटो बेस्ड फिल्म मेकर है। फिल्में बनाने के अलावा लीना एक एक्ट्रेस भी है। लीना ने अपने करियर की शुरुआत
असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने कई मेनस्ट्रीम फिल्ममेकर्स को असिस्ट किया। लीना ने साल 2002 में देवदासी प्रथा पर मथम्मा नाम की एक फिल्म बनाई थी। इस पर भी खूब विवाद हुआ। इस फिल्म पर लीना का परिवार भी उनके खिलाफ था। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दक्षिण भारत से 4 हस्तियां राज्यसभा के लिए मनोनीत। पीटी उषा, इलैया राजा, वी विजेंद्र प्रताप और वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा सांसद होंगे। 20 राज्यों में मॉनसून की भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश से हिमाचल में 5 और राजस्थान में 7 की मौत। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात। केंद्रीय कैबिनेट से मुख्तार और आरसीपी का इस्तीफा। सिंधिया और स्मृति को मिला प्रभार। नकवी को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाने की अटकलें। तिरंगा पर घिरे फारूक अब्दुल्ला। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर सवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम बोले वो अपने घर में रखना। सत्यपाल मलिक के आरोपों पर सीबीआई का एक्शन। देश भर में 16 जगह रेड। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते रिश्वत की पेशकश की बात कही थी। 12 साल के बच्चे का शव फंदे से लटका मिला। शरीर पर गंभीर चोट के निशान और पैर से खून रिसता मिला। सौतेली मां पर हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में लगी आग। तेज धमाके के साथ फटा ट्रांसफार्मर। ब्रह्मपुरी कॉलोनी की बिजली कटी। गर्मी से लोग परेशान। नूपुर शर्मा के समर्थकों को धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार। आई रिपोर्ट। नूपुर शर्मा लिखने पर कहा स्टेटस हटा दे नहीं तो कन्हैया लाल जैसा होगा हाल। जौनपुर में मरुधर एक्सप्रेस की चेकिंग। बम मिलने की सूचना पर 1 घंटे तक ली गई तलाशी। संदिग्धों से पूछताछ। यूपी में जल्द बनेगा पुरोहित कल्याण बोर्ड। सीएम बोले सभी धर्मों के पुजारियों संतों पुरोहितों मौलवियों को मिलेगा बोर्ड से फायदा। बोरिस जॉनसन से कैबिनेट मंत्री माइकल गोवे